साड़ी में कितनी सेक्सी लग रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मेरी वाइफ है। सॉरी सुंदरी, क्या हुआ सुंदरी? वो टिफिन लौटाने आई थी। मिस हो गई यार। क्या जी, आप सुबह सुबह पी रहे हैं? सिर्फ रात में पी सकते हैं, ऐसा इस पे लिखा है क्या? जाओ जाके खाने के लिए कुछ लेके आओ। सुंदरी एक मिनट रुको, बैठो यहां। एक्चुअली मैं नहीं पीऊंगा, तुमसे वादा किया था, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अगर कुछ दिन ऐसा ही रहा तो मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मैं जब डिप्रेशन में जाता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। वो मैं ये सब भूलने के लिए ही पीने लग गया हूं, प्लीज बुरा मत मानना। हर महीने लाख रुपए अकाउंट में आ जाते थे, लेकिन अब अकाउंट में एक रुपए भी नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुंदरी। ए, कैसे भी करके मैं 4 लाख का इंतजाम कर लूंगा। बैकडोर से जॉब ढूंढना यार, सिचुएशन बद से बदतर हो रही है। ये शादी के रिश्ते देखना बहुत ही मुश्किल काम है। लड़के को पसंद आता है तो लड़की को पसंद नहीं आता, लड़की को पसंद आता है तो लड़के को पसंद नहीं आता। वैसे आपके लड़के के लिए रिश्ता देखने की जिम्मेदारी आपने मुझ पर छोड़ी थी ना, इसलिए मेहनत करके मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। कहो तो लड़की दिखाऊं? हाँ दिखाइए पंडित। हाँ ये लीजिए, देखिए लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत पैसे वाला घर है। लड़की तो सुंदर है, आपको दहेज भी अच्छा मिलेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बेटे ने पैसा नहीं देखा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप तो कुंडली मंगवाइए। आजकल कुंडलियों के बारे में कौन सोचता है? मैं सोचता हूँ, शादी के लिए कुंडली जरूरी है। देखिए पंडित जी, मेरा बेटा 2 लाख रुपए महीने कमाता है, कुंडली मिलाए बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। दो महीने में रोड पर आ जाएंगे, इसीलिए कुंडली मिलानी जरूरी है, वरना शादी नहीं होगी। ये तो आपने सही कहा, आजकल वैसे कुंडलियों के बारे में कौन सोचता है? मैं सोचता हूँ कुंडली मिलाना जरूरी है। हाँ ये बात, मेरा बेटा 2 लाख रुपए महीने कमाता है, कुंडली मैच किए बगैर शादी नहीं होगी। कुंडली मिलाए बगैर शादी नहीं होगी। दो महीने में रोड पर आ जाएंगे, कुंडली मिलाए बगैर मैं शादी नहीं कर सकता, कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है। आप तो बस उसकी कुंडली मंगवाइए, दो महीने में रोड पर आ जाएंगे। आप तो बस उसकी कुंडली मंगवाइए, दो महीने में रोड पर आ जाएंगे।
चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गांव में तुम्हारी सुंदरता देख के मैं पागल हो गया था। मैंने बेवजह तुमसे शादी कर ली, बिना किसी पंडित से पूछे कुंडली मिलाए मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। मैं पहले अनाउंस जरूर था लेकिन कभी रोड पे नहीं आया था, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद तुरंत बाद मैं रोड पे आ गया। गलती मेरी ही है, तुमको देखती तुमसे शादी करने की जो ठान ली थी। मुझे पता होता तुम मुसीबत बन के आओगी तो कभी शादी ही नहीं करता। तुम्हें पता है कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता है। तुमसे शादी करने से पहले मैंने कुंडली दिखा ली होती ना तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वैसे भी अगर मेरे माँ बाप होते ना तो वो ये सब जरूर करते। तुम्हारे तो माँ बाप है ना, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हेलो पापा, क्या हुआ बेटी इस समय? इनकी नौकरी चली गई है, मुझसे शादी की इसलिए चली गई। कहते मेरी कुंडली की वजह से ये रोड पर आ गए हैं पापा। मेरी क्या गलती है? मैं इनकी जिंदगी में नहीं आई थी ना, वो खुद ही तो मुझे अपनी जिंदगी में लाए। तुम कुछ मत सोचो बेटी, उसका कोई नहीं है ना, गुस्सा हो या प्यार हो, तुम पर नहीं तो और किस पर निकालेगा। एक काम करो, पास में अगर कोई ज्योतिषी हो तो उससे जाकर मिलो, जाके कुंडली दिखाओ। जो करने को कहें वो करना। ठीक है पापा। हाँ माँ, मैं ज्योतिष के पास ही आई हूँ। कहा ना, जब से हमारी शादी हुई है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुंडली अगर नहीं मिलती है तो ऐसा होता है कहते हैं। ये ज्योतिषी जैसा कहते हैं वैसा ही होता है, इसलिए यहाँ आई हूँ माँ। ठीक है माँ, उनसे मिलने के बाद मैं आपको कॉल करूँगी। आप आइए, बुला रहे हैं। ठीक है। सुनिए, अब आप आइए। बोलो बेटी। मेरे पति की नौकरी चली गई है, मुझसे शादी की इसलिए ये सब हो रहा है। मेरी कुंडली के कारण ही वो इस तरह रोड पर आ गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लाओ वो कुंडली मुझे दो।
तुम्हारे पति ने अनजाने में जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। मतलब? पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता का साथ जल्द छूट गया था, इसलिए तुमने चोरी की होगी, या फिर किसी सुखी जोड़े को तुमने जुदा कर दिया होगा। जब ऐसी गलती होती है तभी इस जन्म में जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें ऐसी परेशानियां होती हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? पिछले जन्म की गलतियों के तौर पर तुम्हें इस जन्म में तुम्हें खुद को सजा देनी होगी। जब तक कोई बड़ी गलती नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। बड़ी गलती मतलब? तुम नहीं कर पाओगी, इस जन्म में यही तुम्हारी किस्मत है, चली जाओ। ऐसा मत कहिए, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिंदगी भर तुम्हें उस बात की सजा मिले ऐसा कुछ करना होगा, पर लगता नहीं ऐसा तुम कुछ कर पाओगी, चलो जाओ। कुछ भी करना पड़े परवाह नहीं, मैं करूंगी, बोलिए ना। सुनो, तुम्हें अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाने होंगे। इतनी बड़ी सजा तुम अपने आप को दोगी तभी तुम्हारे पति की जिंदगी बदलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब तुम जा सकती हो। मैं जब डिप्रेशन में जाता हूँ ना तो मेरा दिल सुसाइड करने को कहता है। तुम्हें अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाने होंगे। तुमसे शादी करके गलती कर दी मैंने।
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। बोलिए मैम। ये कितने का है? ये फुल सेट है मैम, हील्स के साथ में, 4,000 रुपीज ओनली मैम। Eve!